हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हो? तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो गाइस, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम हो गया मेरा जगा हुआ। तो अभी हम निकलने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए। तो मैं 5 बजे जग गया था और तब से अभी तक तैयार हो रहा हूँ, उसके बाद अब निकलूँगा। जस्ट सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो गाइस, आपको आगे का भी सीन दिखाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो 2-3 दिन के बाद मैं वापस ब्लॉगिंग पे आया हूँ, वरना एक 2 शॉर्ट वीडियो से ही काम चला रहा था। तो गाइस, आपको बता दूँ कि आज मैं पूरा दिन घर पे रहने वाला हूँ, बिकॉज आज मेरी है छुट्टी। तो जितने भी कुछ थोड़ा बहुत जो काम थे मैंने रात में ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो जो टाइम बचेगा, सेव रहेगा, वो प्रॉपर मेरे लिए रहेगा और कुछ मुझे करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ काम है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो गाइस, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अभी निकलते फ़िलहाल एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद आपसे फिर से बातें करते हैं। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं और अभी है रास्ते में है, तो देख सकते हो आप, हर दिन की तरह आज भी अंधेरा है। तो इतना अंधेरा है अभी। बहुत ही प्यारा पपी है, रोड पे खेल रहा था, मुझे देखते ही नाले में घुस गया। एक वो खाली सा नाला पड़ा है, सूखा सा, उसी में घुस गया डर के मारे। इसे बुला रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा है। कितना प्यारा है। तो गाइज, हम फाइनली हम पार्क में पहुंच चुके हैं और हमारे पास आज ये गैजेट है। क्या बोलते हैं इसे, आई थिंक क्या बोलते हैं, पुशअप स्टैंड, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, बट मैंने ये बताया आपको, ठीक है। हमारे पास ये है और ये मतलब एक तरह से सरप्राइज़ है मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता नहीं था इसके बारे में। अचानक ही ये जो मेरा दोस्त है अचानक निकाल के लाया अपने कमरे से जब मैं इसके पास गया था। तो काफ़ी बहुत अच्छी की बात है ये, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगा, हमें हेल्प मिलेगा। तो गाइस, अब फटाफट से जो भी हम हमारा एक्सरसाइज होता है वो करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस, आपको और भी कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल तो आप वीडियो पे बने रहना ऐसे ही, तो तब तक के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मैं भी वापस से वीडियो पे आ चुका हूँ। तो गाइस, अभी जो है 7:15 हो रहा है, मतलब आपको बता दूँ कि पूरे 1.5 घंटे के बाद मैं वापस वीडियो पे आया हूँ। तो अभी देख रहे हो उस टाइम कितना अंधेरा था, रात था, और अभी देखो कैसा हो रखा है। तो अभी भी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम करेंगे कुछ स्टेप्स करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जाना है, उधर कोने में, बहुत दूर है, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट मेरा हाथ का इशारा उधर सीधे ही है, तो हम पहले इधर कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो हाथ है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है, लेकिन कोई नहीं, कुछ दिन तो कोई प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ये फिर ऑटोमेटिक मतलब अच्छे से कर पाऊँगा। अगले तो 5-6 दिन से कर रहा हूँ तो अभी हो नहीं पा रहा है। तो गाइस, आपको उधर में ले करूँगा, अभी यहाँ तो ये करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये करूँगा, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। चक्कर में चोरी केस पर गई भारी। ये देखो ऐसा बोमा लटकता है ना, ऐसे ही लटकता है ये भी, ऐसे बंदे लटकते हैं ना, ऐसे ये भी लटक रहा है अंदर, कैसा तो ये काम करता है अंदर वाली का। फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये किस तरीके से किया जाता है, ठीक है।
और ये जो हाथ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत पेन होता है इसमें। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी पेन होता है इसमें। पहले तो नाजुक था, मतलब मुलायम था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा देता था। अब टाइट हो गया है यहाँ पे दोनों हाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होता, वैसे हल्का फुल्का होता है। ये तो नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ इसे, बट कोई नहीं, हमारा एक लास्ट स्टेप है, ठीक है, उसको करने के बाद हम निकलते हैं। बिकॉज यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और देखा जाए तो 2 घंटे होने वाले हैं। इतना ज़्यादा करूँगा तो दिन भर थकावट रहेगी बॉडी में, और उसके बाद फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और दिन भर तो सोए रहेंगे इसके बाद, तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना है। तुम्हारी जो है लास्ट स्टेप रहेगा, उसके बाद फिर हम घर को निकलेंगे। तो वैसे आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। उफो, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही यार। चलो भाई, थक गया। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपना जो है एक्सरसाइज कंप्लीट किया, ठीक है। अब सीधे हम घर जा रहे हैं, और घर जाके क्या करेंगे, सोना ही है। 2 घंटे के लिए तो पहले जाते ही थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके सोता हूँ, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा जो है ना, रिसेंटली रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो, तो तुरंत उसके जस्ट तुरंत बाद, ठीक है, आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम वही करेंगे, हम घर जाके जो है ना अपने फ्रेश होके, सामने देख टट्टी वट्टी मत चला देना यार, साइकिल मेरा है ना, तो इसलिए गंदा होने का बहुत डर लगता है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है, समझ रहे हो आप, इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो हम कर रहे हैं जिस हिसाब से होना चाहिए, बस उस हिसाब से हम जो है कर रहे हैं। बाकी बात देखते हैं क्या होता है आगे, वो तो हमारी मेहनत पर डिपेंड है। अब तक के लिए यहीं तक, बाकी बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी को बाय बाय। गिर गया भाई, आराम से चलाएगा, ठीक है।